what is electric current and what is actual current. See, electric current जिसे आप कहते हैं सिर्फ करंट, ये एक्चुअल करंट नहीं है, ये हमारा माना हुआ है, हमने इसे मान रखा है, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट. इट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर सेकेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. देखिए, ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, इसे बोलते हैं हायर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल. अब अगर हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज को रख दें तो ये कहां जाएगा? ये पॉजिटिव चार्ज मूव्स टूवर्ड्स नेगेटिव पोटेंशियल, टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल. This is called velocity of positive charge. Where positive charge will go when placed in between potential difference. This is higher potential, this is lower potential. So it is creating some potential difference. So as per our convention, current or electric current is the flow of positive charge. जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा वही है करंट की रियल डायरेक्शन. इसको कहते हैं करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन. दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, इन वन सेकेंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. नाउ क्वेश्चन कम्स इन टू प्ले, पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो ही नहीं करता, तब भी तो इसे कहते हैं माना हुआ है कन्वेंशनल करंट. भाई क्यों मानना पड़ा हमें? टू मैच सिमेट्री, सिमेट्री ऑफ नेचर. एवरीथिंग फ्लोस फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. वाटर फ्लोस फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. हीट एनर्जी ऑल्सो फ्लोस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. इस सिमेट्री को मैच करने के लिए जैसे पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ऐसे ही ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. तो पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर में जाता है. इस डायरेक्शन का नाम, इस वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन का नाम करंट रखा गया. ये सच नहीं है, लेकिन स्टिल जब भी हम करंट बोलेंगे यही बोलते हैं. एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अभी थोड़ा और बताते हैं. जैसे जैसे एक कंडक्टर है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा हम बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज है और इसे अर्थ से कनेक्ट कर दें, इसे कहते हैं ग्राउंडिंग, अर्थी, जमीन से इसे हमने टच कर दिया, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे दिस इज हायर पोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज है और मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो ये हायर पोटेंशियल होता है और ये जो ग्राउंड है इसे जीरो वोल्ट, ये लोअर पोटेंशियल है. तो हम कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इट गोज फ्रॉम कंडक्टर और दिस मेटल स्फीयर टूवर्ड्स ग्राउंड. ये पॉजिटिव चार्ज इस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा. तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वो है डायरेक्शन ऑफ करंट. तो हम कहेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. एक और लंबी गहरी सांस लें. फिर सच क्या है, कौन है एक्चुअल करंट? भाई एक्चुअली मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री को मैच करने के लिए बोला गया है. पर यकीन मानिए, जब भी हमने करंट बोला, जब भी हमने इलेक्ट्रिक करंट कहना या कहा, ये कन्वेंशन ही बोलते हैं जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ये सच नहीं है, तब भी आपने यही कहना है क्योंकि ये फिजिक्स में स्टैंडर्ड कन्वेंशन है. देन क्वेश्चन कम्स इन टू प्ले, एक्चुअल क्या है? ब्रीथ इन, एक्चुअल करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स.
फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। तब सोचिए अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, सच में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसे हम कहते हैं एक्चुअल करंट। माइंड यू हमेशा एक्चुअल करंट नहीं बोलना है, जब भी कोई पूछे करंट की डायरेक्शन क्या है तो यही करंट है, कन्वेंशन वाला ही कहना है, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट जहां पॉजिटिव चार्ज गया। कोई पूछे व्हाट इज एक्चुअल करंट तो आपको सिखाते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा पॉजिटिव की तरफ, तो इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। एक लंबी गहरी सांस लें, तो ये एक्चुअल करंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। अब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हमारी सिमेट्री को मैच नहीं करता तो हम ये कहते ही नहीं है, ये ध्यान रखते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, लेकिन बोलने के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोला जाएगा। फिर एक लंबी गहरी सांस लें, जैसे इस एग्जांपल में देखें, इस एग्जांपल में ये पॉजिटिव चार्ज है, मालूम है पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे एक सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, डोनेट किया, फ्री किया, तो इट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो असल में यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सच क्या है, सच यह है कि अर्थ से लोअर पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन आते हैं, देखो हम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को ऐसे लिखा करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आते हैं लोअर पोटेंशियल से, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। तो एक्चुअल डायरेक्शन क्या है जिससे कि ये मेटल स्फीयर थोड़ी देर में न्यूट्रल हो जाता है। अगर कोई हमसे पूछे बताइए व्हाट विल हैपन इफ दिस पॉजिटिव चार्ज स्फीयर कनेक्टेड टू ग्राउंड, तो वी विल से पॉजिटिव चार्ज फ्लोस फ्रॉम स्फीयर टू अर्थ एंड इट इज बिकमिंग न्यूट्रल, बट एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन, एक्चुअली वी विल से पॉजिटिव चार्ज सिग्निफाइज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ग्राउंड टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव स्फीयर एंड कंपनसेटिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन हिंदी, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी है, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस कमी को पूरा करेंगे और ये न्यूट्रल बन जाएगा। देखो एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे आप एक रेजिस्टेंस को बैटरी से कनेक्ट करते हैं और यहां एक की शो कर देते हैं, व्हेन वी से की इज क्लोज्ड, की इज क्लोज का मतलब है वी आर कंप्लीटिंग दिस सर्किट, क्लोज सर्किट जिसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में कहते हैं स्विच ऑन, की इज क्लोज का मतलब होता है स्विच ऑन। अब जब आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या होता है, ये है सेल, इसका जो ये बिगर लाइन है दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल, दिस स्मॉलर लाइन कॉल्ड नेगेटिव टर्मिनल। करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल माने हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सी दिस इज नेगेटिव लोअर पोटेंशियल, दिस इज पॉजिटिव, बिगर लाइन कॉल्ड पॉजिटिव, स्मॉलर लाइन कॉल्ड नेगेटिव, करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दिस इज कन्वेंशनल करंट। Whenever we say current, electric current, we mean to say conventional current. We always talk about this current. Breathe in. Now, what is actual? If inquired, what is actually going on? Then, see, electrons are always moving. They are always having some velocity. They are always flowing opposite to current. तो हम इस बात को ऐसे याद रख लेते हैं. एक तो current का direction fix हो गया. ये तो permanent याद रखना है. फिर हम याद करते हैं. Flow of electrons होता है अपोजिट टू करंट, करंट मीन्स कौन, इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का सिंबल शो करना हो तो आई विल शो अपोजिट टू दिस करंट विच इज रिटन इन ब्लू कलर, इस तरह से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ये हम जब तक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ना दिखाना हो नहीं बताते। सी करंट गोज फ्रॉम
flows from higher potential to lower potential, and electrons, these are electrons which are moving from lower potential to higher potential. This is called actual current. Got it?